बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नौशीन बेग और आप देख रहे हैं इस वक्त लाइफ स्टाइल टीवी चैनल मेरे साथ। आज हमें मिस्टर जवाद माजिद खान ने पाकिस्तान इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जवाद, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम रशीम, शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ मैं जी। अच्छा, मिस्टर जवाद खान इज अ पायनियर इन इस्लामिक बैंकिंग इन पाकिस्तान। His role was very crucial in establishing conversion, successfully running three Islamic banks in Pakistan, Al Falah, Dubai, Iman Islamic Banking. He is seasoned financial sector professional. He is director of SEVP Iman Islamic Banking. He has been delivering lectures at national and international forums on Islamic finance banking covering in Pakistan and regional markets. वहां पे कैसे हालात चल रहे हैं कोरोना वायरस के? जवाब पहले तो ये बताइए इस्लामाबाद। हाँ जी, कोरोना पे बात शुरू करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में हमारी जनरेशन और शायद हमसे पिछली जो जनरेशन है, हमारे पेरेंट्स और जो बड़े हैं, उन्होंने भी कोई ऐसी पेंडेमिक नहीं देखी। एंड अनफॉर्चुनेटली इसके लिए ग्लोबली हम तैयार ही नहीं थे एज ह्यूमैनिटी। और आप देखें, आप यूएस में हैं तो यूएस जैसा सुपर पावर एंड इवन उसका हेल्थ सेक्टर तैयार नहीं था, ना कैपेसिटी थी कि इसको हम हल करें। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान जैसे ममालिक या जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उसमें ज़्यादा मुश्किल है। तो थोड़ा सा हमारी पॉलिसीज भी थोड़ी कंफ्यूज रही थी, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा इस वक्त पीक आजकल के दौर में कर रहे हैं। और जो नंबर्स हैं, नंबर्स बढ़ गए हैं काफ़ी ना जी। तो अभी जो ऑफिशियल नंबर्स हैं वो मेरा ज़ाती ख्याल है उससे काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज हमारी जितने जानने वाले लोग हैं, जितनी फैमिलीज हैं, तकरीबन हर तीसरी या चौथी फैमिली में, हमारे दोस्त अहबाब में, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अब फिर से हम मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा बहुत लॉकडाउन की तरफ चल रहे हैं, बट लेट्स होप। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि प्रॉब्ली हमारा शायद इम्यूनिटी लेवल भी बेहतर है, तो रिकवरीज जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं और डेथ्स भी काफ़ी कम हैं इन परसेंटेज अगर केसेस ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला प्रोटेक्ट एवरीवन इंशाल्लाह, आमीन इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमिक पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक्स है उस पे क्या इफेक्ट हुआ है? देखिए, इकोनॉमिक्स पे मेरा जाती ख्याल ये है कि काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पेक्ट आएगा। पिछले कुछ अरसे से हमारी इकॉनमी वैसी कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही थी, स्पेशली पिछले 2 साल से काफ़ी ज़्यादा हमें इकोनॉमिकली हम हिट हुए थे। और 2-3 उसकी जो डिटेल में डिस्कशन में नहीं जाता, बट 2-3 इश्यूज ऐसे थे जिसके ऊपर काफ़ी कंसर्न्स थे। एक तो ये कि हमारा जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, जिसको हम उर्दू में शरे नमू कहते हैं, जो आपकी डेवलपमेंट होती है या ग्रो करती है आपकी इकॉनमी, वो काफ़ी नीचे चला गया। 5.8% था 2018 में, जो कि गिर के तकरीबन 1.7% चला गया था प्रायर टू करोना, और अब करोना के बाद वो -0.04% पे चला गया। तो अगर ग्रोथ नेगेटिव में चली गई है और पाकिस्तान की सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ 2.5% है, तो वी आर ग्रोइंग लेस देन आवर पॉपुलेशन ग्रोथ। एक ये बड़ा मसला है। दूसरा ये है कि बिकॉज ग्रोथ लेवल इतना कम हो गया, आपकी इकॉनमी जो थी वो रिसेशन में ऑलमोस्ट चली गई या नेगेटिव ग्रोथ में चली गई, तो आपके काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी हुई। तो तकरीबन आप समझें कि 30 से 40 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं। उसके अलावा तकरीबन 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो एडिशनल जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए। तो ये कुछ हालात इतने अच्छे नहीं थे, और पिछले कुछ अरसे में हमारी कुछ मिसमैनेजमेंट थी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी। आप देखेंगे बिजली, गैस, पेट्रोल की प्राइसेस 100 से 150% बढ़ गई। इसी तरीके से कभी शुगर क्राइसिस आ रहा है, कभी आटे का क्राइसिस आ रहा है। तो थिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट इवन प्रायर टू कोरोना, बट पोस्ट कोरोना हमें कुछ और चैलेंजेस आए हैं। और वो चैलेंजेस इस तरह के हैं कि जो हमारे, बिकॉज इकॉनमी ऑलरेडी स्लो डाउन थी, वो फर्दर स्लो डाउन करेगी लॉकडाउन की वजह से। तो हमारे जो रेवेन्यू थे, टैक्स कलेक्शन थी, वो तकरीबन आप समझे 500 से 600 बिलियन रुपीज में कम हो गए। तो एक तो ये है कि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें इश्यूज आए, लेकिन ये कि साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट ने कुछ कोशिशें की हैं, जिस तरह ग्लोबली आप यूएस में भी देखेंगे कि गवर्नमेंट रिलीफ पैकेजेस दे रही है, ईज आउट कर रही है लोगों को, आम लोगों को। तो पाकिस्तान में भी कोशिश की गई है कि बिजनेसेस जो हैं उनको 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए उनके लोन रिस्ट्रक्चर हो जाएं। फिर इंटरेस्ट रेट्स जो थे हमारे, वो तकरीबन 13.5% से नीचे 8% पे आ गए थे, आज 7% पे आ गए हैं। तो उससे फाइनेंशियल कॉस्ट कम हो जाएंगी। फिर कोशिश ये कर रहे हैं ये लोग के हेल्थ में और बाकी चीज़ों में लोगों को रिलीफ दें,
टैक्स रिलीफ दें। सो यू नो आई पर्सनली थिंक एक दो साल जो है इसका इम्पैक्ट आता रहेगा, लेकिन इवेंचुअली इंशाल्लाह वी आर अ वेरी रेजिलियंट नेशन। तो कोरोना तो अभी आया, इससे पहले अगर आप देखें तो कभी जलजले आते हैं, कभी बहुत बड़े सैलाब आते हैं जिसमें इटली जैसे मुल्क जो है उससे बड़ा पाकिस्तान का हिस्सा निकल जाता है, बट वी ऑलवेज बाउंस बैक एंड वी कम बैक विद अ बैंग। सो होपफुली वी विल एज अ नेशन कम बैक इंशाल्लाह। एंड पर्सनली इंशाल्लाह। आपकी एफर्ट्स नजर आती है, इसी से रिलेटेड मैं बात करती हूँ कि आप अल नसर जी फाउंडेशन आपने एस्टेब्लिश की और जी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में जो है आप वो काम कर रही है, तो उसके बारे में बताएं, जी क्योंकि जिस तरीके से अभी हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं और कैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, तो वहां पे क्या हालात है और आप कैसे हेल्प आउट कर रहे हैं वहां के लोगों के लिए? जी अल असर की आपने बात की जी, अल असर में हम तकरीबन 22 साल से, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह का काम है तो अल्लाह ही तौफीक देता है, तो वी आर देयर। और हमारा जो काम है वो ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ में और पहाड़ी इलाकों में है पाकिस्तान में। जी तो अगर आप गुरबत या पावर्टी की डेफिनेशन करते हैं तो मैदानी इलाकों से बहुत ज़्यादा सख्त होती है पावर्टी, और सख्त हालात होते हैं ज़िंदगी के, और दुश्वारियाँ होती हैं आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी, और पावर्टी में वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो पहाड़ और रेगिस्तान की गुरबत बड़ी सख्त होती है। तो हमारा क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर कंसंट्रेशन है, बल्कि है ही हम उधर, तो वहाँ पे क्योंकि प्रॉक्सिमिटी के इश्यूज़ हैं, कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, रोड्स नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, हर किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली ऐसे जब सानेहात होते हैं या ऐसे कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो ज़्यादा हिट करती हैं वो जगह। तो ऑब्वियसली आजकल भी उधर हालात काफ़ी ख़राब हैं। तो बेसिक राशंस का इशू है, क्योंकि जो बेसिक आपका फूड है वो आइटम्स वो पहुँच नहीं रहे। तो उसके अलावा उनके अपने ऑब्वियसली हेल्थ के इश्यूज हैं, उनके ऊपर भी कंसंट्रेशन हम करते थे बट आजकल काफ़ी सिवियर हो गए हैं, क्योंकि आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, इवन जो मेन सिटीज़ हैं, जो करीब तरीन सिटीज़ हैं, वो ऑलरेडी कोरोना की वजह से फुल हुए हुए हैं। तो ऑल्दो उन एरियाज़ में और पाकिस्तान के भी देहाती रूरल एरियाज़ में कोरोना का उतना इम्पेक्ट नहीं है जितना अर्बन एरियाज़ में है, बट स्टिल थिंग्स आर वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमारा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, हमारी इदारे का नाम अल नसर फाउंडेशन है, विच इज़ अ कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एक हमारा जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो ये है कि इट्स बीइंग अ कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वी डू नॉट टेक डोनेशंस एट ऑल। तो हम खुद जो जनरेट कर सकते हैं बिटवीन फ्रेंड्स एंड फैमिली, और जो लोग हैं जिन इलाकों में हम काम करते हैं तो वो खुद अपने लिए फंड्स जनरेट करते हैं। तो हम डोनेशंस ना किसी इदारे से, ना किसी हुकूमत से, ना किसी किसी से भी नहीं मांगते। So what is the reason तो behind it? मेनली इसके पीछे ये था कि अगर देखें, आपने एक चीज़ देखी होगी, इवन बिजनेस वर्ल्ड में हम ये कहते हैं कि यू नो यू बिल्ट ओन एंड ऑपरेट। तो जब किसी को ये पता चले कि मैं किसी प्रोजेक्ट को खुद इनिशिएट कर सकता हूँ बहुत थोड़ी सी मदद से, और एज ए कम्युनिटी अगर हम पार्टिसिपेट करके कोई चीज़ बिल्ड करते हैं अपने लिए और उसको हम ओन करते हैं और ऑपरेट करते हैं, तो उसमें सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और आपके अंदर एक यू नो एक आपके अंदर एक वो आता है, एक ना सिर्फ शऊर आता है बल्कि साथ सेंस ऑफ अचीवमेंट को उर्दू में अक्सर कहते हैं कि आपके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि यार ना हमें हुकूमत की ज़रूरत है, ना हमें किसी की खैरात और सदकात की ज़रूरत है, हम खुद इस काबिल हैं कि अगर अल्लाह की मदद हो और यू नो इफ़ वी आर कम्बाइंड टुगेदर फॉर अ कॉज, सो वी कैन डू अ मच ग्रेटर वर्क। तो हमारा जो 22-23 साल का तजुर्बा है, हम दो तीन एरियाज में, हम एजुकेशन में हैं, तकरीबन 92 के करीब हमारे स्कूल्स हैं जो कि रिलीजियस स्कूल्स मदरसे हैं, और साथ ही वो कन्वेंशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी हैं जिसमें ऑन एवरेज 7 से 7 साढ़े 7 हज़ार बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे होते हैं। फिर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में हम, यहाँ पे तकरीबन 550 से ऊपर हमारी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की काफ़ी मेजर स्कीम्स हैं क्योंकि पहाड़ों में पानी नहीं होता। तीसरा हम बेसिक हेल्थ में हैं, पानी से जहाँ मुझे पे याद आया आपकी वीडियो है कि इतने ऊंचे पहाड़ पे घर होते हैं कि खवातीन को नीचे आके पानी लेना पड़ता है, तो वो जी एक ऐसे ही है, डिफिकल्टी है सिर्फ एक पानी हासिल करने के लिए। बिल्कुल ऐसा है। इस तरह है कि पानी का देखें, अगर वहाँ पे ऑन एवरेज पहाड़ 8 से 8.5 हज़ार फुट पे हैं, ऊंचाई पे हैं, तो जो स्प्रिंग होता है या चश्मा होता है वो 5,000 स्क्वायर की हाइट पे होता है। अब 5,000 के ऊपर जो गांव है वहाँ पे हो सकता है 100-150 घर हो, बट 7,500 या 8,000 के या डिफरेंट हाइट्स पे डिफरेंट गांव हैं जहाँ 50 घर से लेके 500 घर तक होते हैं, 200 घर तक होते हैं, उससे नीचे भी होते हैं। तो अब एक चश्मे के लिए औरतों को ऑन एवरेज आधे से पौना घंटा उतरना पड़ता है, फिर 1.5-1.5 घंटा या घंटा वो ऊपर चढ़ती हैं। उनका ज़िंदगी में काम ही सिर्फ ये है कि पानी लाना है या ले जाना है 2 या 3 दफ़ा। तो अगर वहाँ पे हमने ये किया कि हमने उसी चश्मे के ऊपर RCC टैंक्स लगाए, उस पर मोटर्स लगा के, और ग्रेविटी के थ्रू हमने पाइप से घर उनके घरों में पानी पहुँचा दिया, तो सडनली यू थिंक यू नो खवातीन का कोई और काम ही नहीं रहा।
अब जब कोई काम ही नहीं रहा, और ये इतना ये कहने में बड़ा आसान है बट पहाड़ों पे चढ़ना उतरना, वहाँ पे ऑक्सीजन का भी बड़ा मसला होता है, तो उनकी यू नो बॉडी शेप्स चेंज हो जाती हैं, उनके बड़े मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं, दे हैव एलोंगेटेड हार्ट्स, एलोंगेटेड यू नो लंग्स हो जाते हैं, बड़े मेडिकल प्रॉब्लम. अब सडनली देखते हैं कि हमारी जिंदगी के सारे मसाइल, सिर्फ पानी का ही मसला था वो हल हो गया, तो अब उसको फर्दर हम ऑगमेंट ये करते हैं कि हम जो वहाँ पे स्कूल खोल दिया. अब हमारे स्कूल ऐसे हैं माशाल्लाह जहाँ पे दादी बहू और पोती या पोता इकट्ठे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना. और ऐसा भी है कि हमारे स्कूल्स जो हैं वो ऑब्वियसली उसमें दरस निज़ामी भी पढ़ाया जाता है मदरसों का, और साथ जो हमने ये किया है कि जो हमारे ऑब्वियसली वहाँ पे स्कूल्स कम है, प्राइमरी मिडिल और जो हाई स्कूल्स हैं, मतलब बच्चों को ऑन एवरेज आधे घंटे से 4 घंटे डेली पैदल चलना पड़ता है, तो हमने इम्तिहान उन्हीं स्कूल्स में देते हैं सरकारी, बट उनको हमने टीचर्स हायर करके दिए जो इन्हीं मदारिस में इन्हीं उनके अपने गाँव में उनको डेली पढ़ा देते हैं. तो फिर बेसिक हेल्थ के इश्यूज हैं, हर हमारा जो मदरसा या स्कूल है उसमें एक लाइब्रेरी है, उसमें एक बेसिक हेल्थ यूनिट है जहाँ बेसिक मेडिसिंस मौजूद हैं. और फिर इवन मैं आपको बताऊं, इन इलाकों में जहाँ हम काम कर रहे हैं, आज से तकरीबन 20 साल पहले जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट था तकरीबन 85% डेथ्स होती थी, बिकॉज रोड्स नहीं है. तो जब भी वो यू नो उस प्रोसेस में खातून आई तो उसको फिर चरपाइयों पे उठा के 3-4 घंटे ये लेके जाते थे. तो अब अल्लाह की मेहरबानी से हुआ कि विद वेरी मिनिमल एक्सपेंडिचर हमने मिडवाइव्स लाई, और उन मिडवाइव्स को डिफरेंट हमने गांव में छोड़ा, उन्हें लोकल औरतों को लोकल और बच्चियों को ट्रेनिंग दी, और उससे ये हुआ कि अब वो जो नॉर्मल यू नो डिलीवरीज है वो खुद ही बच्चियां मैनेज कर लेती हैं या औरतें मैनेज कर लेती हैं. कॉम्प्लिकेशन होती है तो 3-4 दिन पहले बता देती. तो सडनली द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हैज रिजन फ्रॉम -80% टू +99%. सो यू नो इस तरह के हैं. फिर हमारे काफी लोग वहाँ पे जिनकी यू नो ऑपरेशन कई दफा हार्ट के हैं, कैंसर के हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, तो वी आर डीलिंग विद बैतुल माल एंड अदर फंक्शनरीज एंड हॉस्पिटल्स, तो वो भी हम साथ साथ चला रहे होते हैं. फिर एग्रीकल्चर पे कुछ काम कर रहे हैं, फ्रूट्स फ्रूट ट्रीज हैं, वेजिटेबल पे, किचन गार्डनिंग पे कर रहे हैं काम. के अगर हर घर में वो जो उनके वही वॉशरूम्स का पानी होता था वो बड़ी आसानी से रिसाइकल होके दे कैन हैव देयर ओन यू नो डेली वेजिटेबल, सो दे कैन हैव देयर ओन फूड, यू नो. सो इट्स अ मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी व्हिच वी आर फॉलोइंग एंड अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड. अल्हम्दुलिल्लाह. ये तो आप एक एरिया है जो आप कवर कर रहे हैं, इसके अलावा भी कितने रूरल एरियाज हैं हमारे गांव में, देहात में, जहाँ पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है. जैसे आपने बताया कि उनको बच्चियों को ट्रेन कर रहे हैं वो सर्विस, ताकि इमरजेंसी होती है तो फौरन से जो उनकी जान बचाई जा सके. तो ये सर्विस जो है, और भी दूसरे आप अगर एक्सपेंड कर सकते हैं. जी बिल्कुल. मैं इस पे तो है, ये तो हमारे एक बड़ा अच्छा अल्लाह की मेहरबानी है मॉडल है. वी आर एक्चुअली कवरिंग मोर देन 12 यूनियन काउंसिल्स एंड ओवरऑल वी आर केटरिंग टू क्लोज टू नाउ इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी क्लोज टू 400,000 पॉपुलेशन. बट मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान में अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, अनफॉर्चुनेटली हमें लीडरशिप शुरू से अच्छी नहीं मिली, और कुछ हमारी बहसीत कौम शायद कोई ऐसा किरदार इतना अच्छा नहीं रहा. But as a com, we have a lot of potential, and the greatest potential that we have is our human capital, our human resource. तो अगर उसको सही direction दी जाए और उसको minimal भी आप अगर opportunity देते हैं ना, तो they can really rise above. अब मैं आपको बताऊँ, हम यहाँ पे 22 साल पे हैं, तो तीसरी generation है हमारे पास बच्चों की. So from the same पहाड़ी बच्चे जिनके कपड़े फटे होते थे, जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती थी, जिनके नाक बहरे होते थे, मुंह नहीं धोते थे, उसी से हमारे टीचर्स बने फर्स्ट जनरेशन से. टेक्नीशियंस हमने उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी. सेकेंड जनरेशन में एक फर्दर लीप आई एंड दे बिकेम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड बैंकर्स. तो वी आर प्रीडोमिनेंटली इन एबटाबाद डिवीजन, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि अल्फला के अल नसर के वही पहाड़ी बच्चे जो थे, अब इस वक्त सिर्फ जो मैं आपको बताऊंगा कि एबटाबाद और मानसेरा डिवीजन के 60% बैंकर्स जो हैं वो हमारे वही पहाड़ी बच्चे हैं. You are doing great, ठीक है ना. अब मेडिकल यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, मेडिकल. तो प्रॉब्ली वो अभी भी शायद उसी तरह से गरीब है, उनके घर उसी तरह से टूटे हुए हैं, छोटे हैं, बट दे हैव द ज़ील एंड द पैशन टू राइज अबव इन देयर लाइव्स. सो आई एग्री विद यू कि ऑब्वियसली हमारी एक लिमिटेड कैपेसिटी है. मैं अपना यू नो ऑब्वियसली जॉब भी करता हूँ, हमारे बाकी जो दोस्त है बाब है वो भी जॉब्स भी करते हैं, बट
कि ये मिनिमल इंटरवेंशन से वी कैन रियली डू अ ग्रेट जॉब फॉर पाकिस्तान। और अगर हमारी हुकूमतें जो इधर उधर किनारे तकरीरें करने की बजाय जो ऑब्वियसली दे ड्रामेटाइज सिचुएशंस फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स, अगर इसी मॉडल को रेप्लिकेट किया जाए सो पाकिस्तानी ह्यूमन कैपिटल एंड पाकिस्तानी पीपल हैव द कैपेसिटी कि अगर उनको थोड़ी सी डायरेक्शन और हेल्प दी जाए, उनकी थोड़ी सी उंगली या हाथ पकड़ा जाए, तो दिस नेशन कैन बी द बेस्ट नेशन एंड द मोस्ट प्रोग्रेसिव नेशन इन द वर्ल्ड। That is true. अब अपनी लीडरशिप को कैसे सुधारा जाए, कैसे उनको ट्रेन किया जाए? देखिए लीडरशिप के ऊपर मेरा एक बड़ा डिफरेंट ओपिनियन है। हमारे ये मिसाइल जो है ना, ये आज के नहीं है, ये आज से 10 साल 15 साल 20 साल, ये मेरा जाती ख्याल ये है कि ये 1947 से ही हमारे प्रॉब्लम शुरू हुए थे। वो एक नई डिबेट है कि लीडरशिप को कभी उस तरीके से परवान चढ़ने ही नहीं दिया गया, जेन्युइन लीडरशिप सामने आई नहीं। वही तबके हैं, चाहे वो सरमायादार हैं, चाहे वो जागीरदार हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो कैपिटल मार्केट्स के लोग हैं, चाहे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो चंद खानदान थे जिनका नाम लिया जाता है, जो प्री पार्टीशन प्रिंसली स्टेट्स में या मुख्तलिफ सूरतों में हमारे ऊपर अंग्रेज के नस्ल दर नस्ल वो हुक्मरानी अंग्रेज के थ्रू करे थे, वही अभी भी हैं। नथिंग मच हैज चेंज, वही सिस्टम चल रहा है। तो एक लंबी डिबेट है, बट ये अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों के जो इंटरेस्ट हैं ना वो आपस में मिले हुए हैं और उसका कोई तल्लक आम आवाम के साथ नहीं है, गरीब के साथ नहीं है, और वो ना खुद टैक्स देते हैं ना उनकी कारोबार टैक्स देते हैं। उनका मकसद ये है कि हम किसी तरीके से हमारे इंटरेस्ट आपस में यकजा रहे हैं। आप देख लेना मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज, इवन करंट जो हम तब्दीली की बात कर रहे थे, क्या हुआ, वही सारे चेहरे हैं, रंग बदल के आ जाते हैं, पार्टीज बदल के आ जाते हैं, और इवन एस्टेब्लिशमेंट भी, दे आर ऑल द सेम पीपल। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक स्टेट है, और अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, बट जब तक तालीम नहीं आएगी, सेहत नहीं आएगी, शोर नहीं आएगा, और वो ये लोग चाहते नहीं है क्या है, ऑनेस्टी होनी चाहिए, जो भी जिसकी जो भी जॉब है वो उसको फुलफिल करे। और इसी तरह आपने शुगर क्राइसिस की भी बात की थी, जो है ये इसका फुकदान हुआ था, और उसमें आपने कहा था कि 50% जो है शुगर जो है कंट्रोल है, जैसे अभी आपने फैमिलीज की बात की है। जी अब आप देखें, आप शुगर की बात करें, आप बात करें किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं, आप फार्मास्यूटिकल की बात करें, आप वीट की बात करें, आप सीमेंट की बात करें, आप कॉटन की बात करें, आप टेक्सटाइल की बात, टेक एनी सेक्टर एंड यू विल फाइंड कि वही कुछ ना कुछ खानदान है, वही फैमिलीज हैं जिनके इंटीग्रेटेड इंटरेस्ट हैं, और वो आपस में सारे एक दूसरे हैं, वो सारी ड्रामाबाजी होती है, एंड दे आर द सेम पीपल। और अब आप देखें शुगर के ऊपर अगर आप वो सुनेंगे मेरा क्लिप या आप वो अगर रिपोर्ट आपको मिले, क्या डिफरेंस है बिटवीन पीटीआई एंड मुस्लिम लीग एंड पीपीपी, के किसान से गन्ना लेने के बाद से शुगर बनने तक, शुगर के बाय प्रोडक्ट बनने तक से लेके शुगर एक्सपोर्ट होके उसके बाद सब्सिडी लेने तक हर चीज में फ्रॉड है, और उसमें सब मिले हुए हैं, तमाम इदारे मिले हुए हैं। सो हाउ फार यू कैन गो, ये तो हमें एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है, और हमें सोच की जरूरत है कि यार ये बहुत हो गया और अब इस चीज को किसी न किसी तरीके से हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज इसी तरह चलता रहेगा इंशाल्लाह जिस तरह पहले चलता रहा। दैट इज वेरी सैड सिचुएशन, बट चलें इस्लामिक बैंकिंग के बारे में बात करते हैं। जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज अ सेपरेट इस्लामिक शरिया डिपार्टमेंट इन प्लेस which is responsible for verifying the system in light of sharia before providing islamic branch less banking license, so is that true, iske bare mein pata hai ki ye kaise ji aise hi hai, theek aapne padha, but usse pehle na I will just take a minute or two to explain you what islamic banking keh le use ya interest free banking keh le islamic finance keh le ya interest free financial market keh le। अच्छा, तो ये इस्लामिक बैंकिंग की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे अमेरिका में कई क्लाइंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स बताएं जो इंटरेस्ट फ्री हो, जैसे आप चेकिंग अकाउंट्स की बात करते हैं, सेविंग अकाउंट्स की बात करते हैं, इवन सीडीज हो गई, मॉर्गेजेस हो गई, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, रिटायरमेंट प्लान हो गए, तो वो सब इस्लामिक जितनी अवेयरनेस जैसे बढ़ती है तो वो लोगों का क्वेश्चन होता है, लोग पूछते हैं, तो अच्छा है कि आप इसको इस्लामिक बैंकिंग को एक्सप्लेन करेंगे। जी जी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ जी, इस्लामिक फाइनेंस की जब बात हुई, देखें ये जो सूदी निज़ाम है या जो कन्वेंशनल बैंकिंग जिसको आप देख रहे हैं तकरीबन पिछले हेलो
यू आर गुड. मैंने आपको फोकस किया था कि आप बता रहे हैं, तो इसलिए मैंने हाँ आपको जी, थोड़ी सी हाँ थोड़ी सी कट गई बात, तो जी. मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ जी। ये जी बोलिए. हेलो. जी फिर कट गया था। आई विल स्टार्ट अगेन, आई विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम द स्टार्ट। देखिए, ये जो कन्वेंशनल बैंकिंग या सूदी सिस्टम है ना जी, तकरीबन 450 साल पुराने हैं। इस्लामिक बैंकिंग इन वन और वे और अदर, ऑब्वियसली हमारा जो दीन है, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जो मदीना की रियासत जिसकी हम बात करते हैं, तो वो एक कंप्लीट रिलीजन था। तो उसकी ऑब्वियसली अगर ओरिजिनेशन आप देखते हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में शुरू हुआ था, जिसको आप बार्टर कहते हैं कि एक कमोडिटी दे के आपने उसके एक्सचेंज में दूसरी ले ली, गंदम दे के आपने कोई और अजनास ले ली या कपड़ा ले लिया। तो उसकी शरीयत में और कुरान शरीफ में और हदीस में उसकी बड़ी कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन है। बट ऑब्वियसली हमारे मुसलमानों का भी एक बदकिस्मती ये रही कि हम बड़े लेट आए इन सारी चीज़ों में। खैर, 1975 में पहली दफ़ा मुसलमानों ने या ग्लोबली किसी ने भी इस्लामिक बैंकिंग या फाइनेंस के ऊपर एक सीरियस एफर्ट की, और उसकी इनिशिएशन पाकिस्तान और यूएई से शुरू हुई थी। बट वो थियोरेटिकल थी और उस पर थोड़ा बहुत काम होता रहा। ऑब्वियसली अगर नई चीज़ शुरू करते हैं, नया कॉन्सेप्ट, तो उस पर टाइम लगता है। बट इट टुक अ लॉन्ग टाइम, यूएई में पहले हो गया, बट इट टुक अ लॉन्ग टाइम इन पाकिस्तान। जनरल ज़ा के दौर में उसको नाम दिया गया था PLS का, जो कि सिर्फ नाम था, उसमें इस्लामिक या इंटरेस्ट फ्री या रिबा फ्री कुछ भी नहीं था। ये 2002 या 2003 में इसको प्रॉपरली शुरू किया गया, और उसका एक आप समझें कि उसमें खुदाई मदद भी थी, एक इंटरनेशनल रीजन भी था कि पोस्ट 9/11 जो हमारे मुस्लिम वर्ल्ड, स्पेशली अरब वर्ल्ड का जो बहुत ज़्यादा पैसा था, वो अमेरिका या यूरोपियन बैंक्स में पड़ा था। सो दैट वाज नॉट दैट वेलकम्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम, सो दैट स्टार्टेड कमिंग बैक टू दोज कंट्रीज। तो जब पैसा वापस आया, तो इन लोगों के नाम निहाद, या आप समझ लें, छोटे छोटे इस्लामिक बैंक्स थे। सो सडनली उनमें जब वापस पैसा आया, तो वो सडनली बहुत बड़े हो गए। और यूएस और यूरोप को भी ये रियलाइज हुआ कि ठीक है यार, टेम्परेरीली हम इनसे नाराज थे, सब कुछ था, बट ऑब्वियसली पैसे की सारी कहानी है। सो दे स्टार्टेड फॉलोइंग दैट, और सडनली इस्लामिक बैंकिंग या उनके उन बैंक जो नाम निहाद इस्लामिक बैंक थे, उनकी सिग्निफिकेंस शुरू हुई या उनकी एक इम्पोर्टेंस की बात हुई। तो ये 2002-2003 से ये सिलसिला शुरू हुआ, पाकिस्तान में भी, मिडल ईस्ट में भी, और उसका कुछ हिस्सा आप देखते हैं तो यूरोप में, और बहुत थोड़ा सा हिस्सा यूएस या नॉर्थ अमेरिका में आया। बट उसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि पैसा इधर था, वहाँ रिसर्च हुई, वहाँ डेवलपमेंट हुई, जो हमारे मौलवी साहिबान थे, शरिया के लोग थे, उन्होंने बैंकिंग समझनी शुरू की। हमारे जैसे जो बैंकर थे, फॉर एग्जांपल मुझे अब तकरीबन 16 साल हो गए इस्लामिक फाइनेंस या इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग में, हमने शरिया समझने की शुरू की। तो वी वेंट थ्रू अ लर्निंग कर्व, एंड आई वुड कैटेगोरिकली से, क्योंकि बाकी तो अल्लाह ताला को पता है, हिसाब भी अल्लाह को देना है, कि इन 2002 वी स्टार्टेड फ्रॉम प्रॉब्ली 1% इंटरेस्ट फ्री सिस्टम, एंड टुडे आई कैन इजीली से दैट वी आर 80-85% शरिया कंप्लायंट इन वट एवर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस आर गोइंग ऑन। 100% होने में शायद अगले 10 साल लगे या 12 साल लगे, वो हो भी नहीं सकता ना। थ्योरी में आप 100% कर सकते हैं, जब आप प्रैक्टिकली कोई ट्रांजेक्शन करते हैं बैंकिंग की, तो उसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं। सबसे बड़ा मसला होता है कि लॉ ऑफ द लैंड क्या है, क्या उसको लीगल सपोर्ट है, क्या जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्जीक्यूटेबल हैं या नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्ट्स आपने बना लिए, क्या वो प्रैक्टिकली बिजनेस में हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इन सारी चीज़ों से हम गुजरे हैं पिछले 15-16 साल से। तो आज जहाँ पे हम खड़े हैं, और मैं इस चीज़ का स्टॉन्च बिलीवर हूँ कि हम जिन जो जो लोग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो कि इस्लामिक फाइनेंस की तरफ आए, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग या इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जिन्होंने, तो उनकी इंडिविजुअल जिंदगियों से, उनकी फैमिली की जिंदगियों से, उनके कारोबारों में, उनके जो बैंक्स थे, उनको अल्लाह की बहुत ज्यादा मदद मिली। सो इट स्टैंड्स टेस्टिमनी कि ये जो एक एफर्ट थी टू गेट रेड ऑफ रिबा, और रिबा के ऊपर तो मैं मतलब एक मजहबी डिस्कशन में नहीं जाता, उसमें तो सिर्फ एक आयत कुरान की मैं पढ़ता हूँ, हदीस तो बहुत ज्यादा है कि जो इसमें जो लेता है सूद, जो देता है, जो इवन इंटरमीडिएटरी है, सही, जो उसका गवाह बनता है, उसके साथ अल्लाह और रसूल की जंग है। इससे बड़ी सख्ती कहीं पे भी नहीं है जी। सही सही हद लग सकती है किसी चीज पे, गुनाह हो सकता है, गुनाह कबीरा हो सकता है। सही तो शिर्क के बाद मेरे ख्याल में इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो सूद के खिलाफ है। खैर, तो मैं बात जहाँ टूटी वहीं से शुरू करूंगा कि जब हमने देखा कि इसमें हमने कोशिश की कि आहिस्ता आहिस्ता इसको इम्प्रूव करें, इसको इंटरेस्ट फ्री करें, इसको
प्रॉपर शरिया कंप्लाइंट या मोर शरिया कंप्लाइंट करें। हम्म, तो आज की डेट में आप देखेंगे कि पिछले 15 साल से इस्लामिक और इंटरेस्ट फ्री जो है फाइनेंशियल मार्केट, इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, आज हम बात करते हैं तो दुनिया में 500 से ज़्यादा इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है जी, तकरीबन 250 से ज़्यादा इस्लामिक फंड्स हैं जो कि यूएस में भी है, मैं अभी उस पर भी आऊँगा। ठीक अच्छा है, तकरीबन 135 के करीब इस्लामिक इंश्योरेंस जिसको हम तकाफुल कहते हैं वो कंपनीज हैं। इंटरनेशनल इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं और इसको इवन रेकग्नाइज कर लिया इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने और हाँ बाजिल कमेटी जो है। ठीक है जी, इस्लामिक बैंकिंग या इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इस वक्त दुनिया के 60 मुल्कों में हो रही है, जिसमें से 37 out of 60, 37 आर मुस्लिम कंट्रीज। सो देर आर अबाउट 23 कंट्रीज विच आर नॉन मुस्लिम हु आर डूइंग दिस इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, विच इंक्लूड्स यूके, यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो प्रीडोमिनेटली देर आर डिफरेंट। जी क्वेश्चन है, तो इसकी क्या रीजन है कि यहाँ पे जैसे यूके और यूएस का आपने जिक्र किया, जी यहाँ पे नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो सकी है या इसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया इस्लामिक बैंकिंग को? देखिए, इस्लामिक या इंटरेस्ट फ्री, में दोनों नाम लूंगा साथ साथ बार बार। इसके 4 या 5 डिफरेंट फैसेट्स हैं। एक तो फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक्स हो गए, कमर्शियल इस्लामिक बैंक्स हो गए। ठीक है, फिर इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, फिर इस्लामिक यूनिट्स होती हैं। एक कन्वेंशनल बैंक के अंदर देयर इज अ इस्लामिक विंडो और ब्रांचेस, अ फ्यू ब्रांचेस व्हिच आर इस्लामिक। देन देयर आर सर्टेन बैंक्स हु हैव इस्लामिक फंड्स। ओके, देन देयर आर सर्टेन बैंक्स हु हैव इस्लामिक फंड्स एंड थ्रू दोज इस्लामिक फंड्स दे गो फॉर इस्लामिक मॉर्गेजेस। देन देयर आर सम शेयर्स व्हिच आर इस्लामिक, लाइक द सुकूक बॉन्ड्स व्हिच आर इंटरनेशनली अवेलेबल। तो ये अगर आप यूएस की बात करेंगे, मैं उससे थोड़ा सा पहले आ जाता हूँ। मैं आपको इस वक्त एक दफा ग्लोबल साइज बता देता हूँ कि इस वक्त एज ऑफ टुडे व्हेन वी स्पीक द इस्लामिक और इंटरेस्ट फ्री इंडस्ट्री इज अबाउट 2.8 और क्लोज टू $3 trillion, व्हिच इज ह्यूज। एंड आउट ऑफ 3 trillion, अबाउट 2 trillion इज विद द बैंक्स एंड रेस्ट इज विद द अदर फंड्स एंड अदर थिंग्स व्हिच आई हैव जस्ट टोल्ड यू। देर आर मोर देर आर एग्जैक्टली 405 इस्लामिक बैंक्स एंड इफ आई टेल यू द ग्रोथ रेट इज अबाउट इन डिफरेंट कंट्रीज इट इज डिफरेंट, बट ग्लोबली इफ यू टेक द एवरेज इट इज अबाउट 25 to 27% एनुअल ग्रोथ। ओके, सो अगर हम यूएस में आते हैं, अच्छा अगर इसका आप फर्दर शेयर देखेंगे तो प्रीडोमिनेटली, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड इज बेसिकली मिडल ईस्ट एंड एशिया, तो मैक्सिमम शेयर जो है वो यहाँ पे ही है और जीसीसी में है। मतलब बिटवीन जीसीसी एंड एशिया इट इज अबाउट, यू कैन से अबाउट 28 and 42। तो ये तकरीबन 70% ऑफ द ग्लोबल शेयर इज इन दीज टू कॉन्टिनेंट्स। सबसे कम जो है वो यूएस में है और अमेरिकाज में है। ठीक है जी, तो लास्ट इस पे मैं आता हूँ, फिर हम आपसे क्वेश्चंस लूंगा। अभी अगर आप जो यूएस में इस्लामिक बैंक तो कोई नहीं है, बट जो शरिया कंप्लायंट कुछ प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल हैं उसमें, जो मेरी रिसर्च है वो कहती है कि एक अमाना म्यूचुअल फंड्स है, जी एक हमारा हाँ जी, एक मंजिल है, मंजिल यूएसए, एक अमेरिकन फाइनेंस हाउस है, लारिबा बैंक है, जी लारे एमएस बैंक दारेबा बैंक के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। हाँ सही जी है जी, MSI फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन है, एंड द बैंक ऑफ विच आई आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट्स विटियर वाइटियर समथिंग लाइक दैट, अच्छा कहाँ एंड जेपी कोई स्टेट यूएस में, का नाम एनी लिखा स्टेट्स में यू कैन डू दैट रिसर्च। एंड इवन जेपी मॉर्गन हैज रिसेंटली, इट्स बीन एन ईयर और सो that it has started its own Islamic banking arm, जेपी मॉर्गन JP Morgan। that's good to know। तो अब आप अगले सवालों पे आ जाइए, मैंने आपको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव दे दिया, नाउ यू कैन बी वेरी स्पेसिफिक। दिस इज रियली गुड दैट आपने जेपी मॉर्गन की बात की है, तो इसमें इसमें मॉर्गेजेस जो हैं मॉर्गेज प्रोडक्ट्स दे रहे हैं ये लोग इस्लामिक बैंकिंग की बात जी की आपने। जी अच्छा प्रॉब्लम सही, तो इसके अलावा इस कितना 100% एक्यूरेट है कि जैसे इस्लामिक शरिया डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान
also keeps on checking the Pakistan investments and return of Islamic bank to ensure that they are indeed Sharia compliant. So is देखिए पाकिस्तान में तो इट्स वेरी वेल रेगुलेटेड एंड वी आर प्रॉब्ली यू नो वन ऑफ द टॉप थ्री इन द वर्ल्ड सो प्रॉब्ली पाकिस्तान एंड देर आर कपल ऑफ मलेशिया एंड आई वुड से यूएई आर द टॉप थ्री इन द वर्ल्ड ऑल्दो आर शेयर इज नॉट दैट ग्रेट वी आर अबाउट 18% ऑफ द टोटल मार्केट शेयर बट यू नो लेट्स आई थिंक इट वुड बी बेटर के जो हमारी जो ऑडियंस है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हम बातचीत करें कि आप लोग का एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था कि इफ देर आर नो इस्लामिक बैंक्स अवेलेबल और अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हम जो अपने अकाउंट्स हैं वो हम क्या करें ना सही तो ये क्लाइंट्स आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है उनका कि ऐसी प्रोडक्ट हमें दें कि इंटरेस्ट फ्री हो हमें अगर हम कहते हैं कि जो इंटरेस्ट इसके ऊपर है आप उसको चैरिटी में दे दें दैट इज द ओनली सॉल्यूशन दैट वी हैव एट दिस मोमेंट बट दे आर लुकिंग फॉर द इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम हियर टू अवर इस्लामिक कम्युनिटी मुस्लिम सो आई एग्री आई थिंक वन वे इज टू ईदर गिव चैरिटी ऑफ द इंटरेस्ट दैट यू अर्न और योर डिपॉजिट्स other is that you open a non interest bearing account a current account that is another option theek hai but on the investment side because us aur jo ki market jo hai usme mortgages have a lot of you know importance and without mortgages and leasing it's very difficult to sustain so I would be very clear on that dekhen main aapko ek bada basic batata hu islamic banking interest free banking aur conventional banking mein kya fark hai do teen fark hai number 1 नंबर वन फर्क ये है कि कन्वेंशनल बैंक गिव्स यू अ लोन इट गिव्स यू अ पेपर मनी लोन दैट इट विल गिव यू अ क्रेडिट लाइन दैट दिस इज योर नेटवर्थ एंड अगेंस्ट योर नेटवर्थ आई कैन गिव यू से $5,000 और $20,000 और $1,000,000 यू कैन यू नो टेक दैट मनी डू वट एवर यू वॉन्ट गो फॉर अ मॉर्गेज बाय अ कार गो फॉर अ हॉलीडे बट ऑन दैट यू हैव टू पे अ सर्टन फिक्स्ड इंटरेस्ट Right. You know, in the very simplistic term, I'm trying to explain that. So, how an Islamic bank is different from that? Number one, we cannot give you a limit like this. That if you come to us, however your net worth is, you come to me and you ask a bank, Islamic or a interest-free bank, that give me a loan. He will say, I can't give you a loan. That's riba. Right. My first question would be, why do you want this loan? You will say, okay. I have this particular need. For example, you say that you know I want to buy something. Right. Maybe I want to buy a laptop. Acha. Or an AC. Or a car. Or I want to go buy a house. I would say okay. So let's now talk about the transaction. So this is where Islamic banking comes in. I say okay. So every transaction is different. So if you want to buy a laptop. So the laptop will be in your use for how long? You would say around say 3 years. So leasing is very close to the interest free or Islamic. Okay. So I would say that okay, let me buy this laptop for you. Okay. The bank will effectively and actually buy this laptop for you from the market or whichever vendor you say. So the bank will issue the pay order. Or the bank draft in name of that vendor, and bank will actually buy that laptop. And till the time it is not delivered to you, and you are not in possession of that laptop, it is the bank's property. Okay. So in between, if something happens to the laptop, it is stolen or it catches fire, you have nothing to do with that. Okay. It will be the bank's loss. So this is first step. Number one, that we will physically go for an asset transaction, which the other banks do not do. Whether you buy a laptop or you don't, at times it matters, at times it doesn't. Second is that as partners, the bank and you are the partners in this transaction. So is the risk only yours or your other partner is also taking the risk? The other banks do not. So whether the laptop is stolen or it catches fire, it is your problem. Exactly. As long as they've given you the money. So this is the second. Third is that then once the transaction is done and you have the laptop in your possession, then I will say, okay, I have given the money to the, you know, I have purchased that, I've shared the risk. So
सो लाइक एनी अदर बिजनेस ट्रांजेक्शन व्हेन यू ट्रेड यू से ओके सो आई फॉर एग्जाम्पल दिस लैपटॉप वॉज फॉर $200 सो हैड यू गॉटन अ क्रेडिट ऑन दिस फॉर 6 months और 1 year यू वुड हैव पेड अ फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑन दैट सो देर इज नथिंग फिक्स्ड हियर बट आई से ओके फॉर अ 500 लैपटॉप आई हैव टेकन द रिस्क एंड आई एम गिविंग यू फॉर 2 years सो इज इट फेयर और नॉट दैट यू आफ्टर 2 years यू विल गिव मी $550 फॉर दिस ओके देर इज नथिंग फिक्स्ड He says, you will say, okay, for 2 years, okay, I think I can return it to you in 1 year. So I will, like any other business, I will say, okay, so there will be a discount. If you return it in 1 year, it is $525. So our deal is done. Okay. So the now the last part comes in. On a conventional bank, you sign a lot of documents and you don't even understand what is written there. Now comes the third part. Now we will have an agreement, a transactional agreement, whereby we will write down all these things that this is the laptop type number. It was purchased for this much from this shop. It was sold to Mr. ABC or Miss ABC for 1 year. And we have mutually decided that in 1 year you will use it and you will pay me a rental of 25 rupees for 1 year for $25 and after 1 year you will give me $525 so we write an actual contract which is based on an actual transaction and now comes the last part if now you return me after 7 months it remains the same okay you because we have not there is no time value of money or we are not charging you any interest so because we have dealt in an asset we have talked about the laptop I have sold it to you for $525 so it remains the same whether you know give me my money earlier or on time it is my discretion if I give you a pre early payment bonus and it goes vice versa that if you are unable to return to me after 1 year $525 remains the same so how are you going to make the profit You know, my profit is $25. Okay. So if you return my money or my, you know, whatever my investment was after say 1 year and 3 months, it cannot be like any interest or compounding that your interest will, you know, keep on charging. Right. And it will become 540. You are bound to pay me 525. And worst come worst, if you default because of any genuine reason, because of economic reason or your personal reason, I cannot charge you anything over and above. Okay. So I have just explained to you. I have tried to explain to you in a very, very, you know, layman's terms that more or less these are the main differences. So once an Islamic bank has a lot of different depositors, so we become the mudharibs. We become the custodians of those funds. And you trust us. That we will invest them in different schemes, like from, you know, investing in a laptop to making a highway to leasing an aircraft. Projects, So different schemes. Okay. So what happens is that the investments that we make, the average return on those investments that we as bank get every month, that is distributed to you every month. So that profit, even as the bank's president, or the owner of the bank, I don't know. Because like I've explained to you, different schemes have different profits and returns. So the average rate that you will get, that will be different, which nobody knows. So it is not fixed, okay, for a deposit's point of view. At one point, say in January, you get 0.25% return. In February, you might get 0.75%. Maybe in March, the bank makes too much profits. So it has to be shared. You might get 4% return. And maybe in April, there is some loss. Okay. Profit loss ka hai iska. Actual is thrown. Achha, maine ek question padha tha. I'm not sure ke log zyadatar to riba ke baare mein baat karte hain ki riba nahi lena interest aur sood aur iska jo hai ke Islam mein mana kiya gaya. Mujhe ye ek question padh ke zara thoda sa different laga tha. Maine socha ki aapse poochun ki iski kya reason hai. इस्लामिक बैंकिंग से प्रॉफिट लेना क्या जायज है? बिल्कुल जायज है। हाँ तो लेकिन ये क्यों क्वेश्चन किया? ये तो क्लियर है कि आपने इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, प्रॉफिट की बात हो रही है, तो फिर ये
लोगों ने ऐसे सिंपल पूछ लिया या इसके इसके पीछे कोई नहीं रीजन? देखें, इवन जो कुरान शरीफ के आयत है कि रिबा और तिजारत में फर्क है, और इसको कंफ्यूज ना करो और इनको मिलाओ ना जानबूझ के, ठीक अच्छा है ना। तो मैंने आपको ये देखे ना चार पांच बताई है, कोई भी अमेरिकन बैंक या कोई भी इंटरनेशनल बैंक या इवन पाकिस्तानी बैंक या इंडियन बैंक, वो कभी भी रिस्क और रिवॉर्ड में शेयरिंग नहीं करता, या वो इतने स्टेप्स नहीं लेता। सही तो जब आप रिस्क और रिवॉर्ड में शेयर ले रहे हैं, कभी आपने किसी बैंक के पास जाके, कभी किसी बैंक ने फिजिकली चेक किया कि आप लैपटॉप ले रही हैं या नहीं ले रही, ठीक है ना। तो कुछ चीजें हैं विच आर वेरी क्लोज टू इंटरेस्ट फ्री, जिस तरह के मॉर्गेजेस हैं, मॉर्गेजेस में और इस्लामिक का जो उसको हम इजारा कहते हैं या डिमिनिशिंग मुशारका कहते हैं, देर इज वेरी लिटिल डिफरेंस। सिमिलरली लीजिंग इज वेरी क्लोज टू द इस्लामिक फाइनेंसिंग, बिकॉज वहां पे सही फिजिकल एसेट होता है, ठीक है ना। सही तो वो आई पर्सनली थिंक अगर वो आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो मॉर्गेजेस में आप जा सकते हैं, इफ देर इज नो अदर ऑप्शन एंड कंपल्शन है। हाँ बट अगर आपके अपने सेविंग्स हैं या आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो अगर आपने किसी इस्लामिक बैंक आपके पास नहीं है, तो यू गो फॉर एन इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग अकाउंट, यू नो नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग चेकिंग अकाउंट करना पड़ता है, एक्सप्लोर करें में एक्सप्लोर करें। लिख एंड इवन इवन जो है ना, अभी जो अयूफी एक हमारे इदारा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसके रहा अकाउंटिंग अयूफी 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 हूँ। आयुफी आई विल स्पेल इट आउट फॉर यू, आई विल जस्ट स्पेल इट आउट, एग्जैक्ट स्पेलिंग इज हाँ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इट इज कॉल्ड ए ए ओ आई ए एफ AAOIFI, अच्छा ठीक है। इट इज लाइक द इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड शरिया स्टैंडर्ड्स। तो ये जो है, देर इज अ ग्लोबल कंसेंसस, हमारे जितने भी फिके हैं ना, जमात अहले सुन्नत वल जमात के, वेदर इट इज हम्बली, शाफी, मालकी और हनफी, एंड इवन अहले तशय्यो जो हैं, दे ऑल हैव अ कंसेंसस ऑन द अयूफी। एंड अयूफी इज द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज लेड डाउन द शरिया एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर ऑल द इस्लामिक बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब, नहीं, एंड द टॉप शरिया स्कॉलर्स ऑफ द ग्लोब एंड द टॉप बैंकर्स अटेंड देयर, यू नो, क्वार्टरली मीटिंग्स, एंड दे कीप ऑन इम्प्रूविंग एंड मॉडर्नाइजिंग ऑल देयर रेगुलेशंस। सो ऑल दोज बैंक्स, एंड आई एम क्वाइट श्योर अबाउट, इफ यू टॉक अबाउट यूएस, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दैट Amana is fulfilling those requirements. Amana Fund is doing good. Yes, we have Yeah, so if you can invest in Amana funds, there is no problem. For the investment for education plan or retirement plan, Yeah. Amana is good. But So लेकिन as regular banking की मैं जो बात कर रही हूँ तो वो ये है कि हम अगर आप जब आप देख जब आज हम लोग जब काफी अरसे पहले जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो उस वक्त जो है हलाल मीट भी अवेलेबल नहीं होता था। लेकिन जी जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों की जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनकी कहाँ से जो बिजनेस माइंडेड होते हैं जो भी हमारे ग्रोसरी स्टोर हैं तो उन्होंने उसको हलाल मीट भी उसमें रखना जी शुरू। बिल्कुल तो ये बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है कि जैसे आप हैं आप सेमिनार्स करते हैं जाते हैं तो वो इंट्रोड्यूस करवाएं इस्लामिक बैंकिंग को। तो एब्सोल्युटली उन लोगों को पता है कि हमारी जो है इस्लामिक मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो दे आर लुकिंग अराउंड दिस बिल्कुल इस्लामिक सिस्टम। सो एब्सोल्युटली वी शुड डू दैट वी शुड डू मोर वर्क ऑन दिस एब्सोल्युटली। यूएसए। और उसमें मेरी लास्ट एक ये होगी कि जी, जिस तरह मैंने नाम लिए थे कि अमाना म्यूचुअल फंड्स है, मंजिल है, अमेरिकन फाइनेंस हाउस है, लारिबा बैंक है, एमएसआई फाइनेंशियल्स हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एंड जेपी मॉर्गन, ऑल यू नीड टू गो देयर एंड आस्क देम दैट डू यू हैव अ शरिया बोर्ड, प्लीज लेट अस नो हु आर द शरिया बोर्ड मेंबर्स नेम्स, एंड प्लीज यू नो शो अस ऑन योर डॉक्यूमेंट्स, ऑन योर फाइनेंशियल्स और योर बैलेंस शीट, दैट आर यू कंप्लाइंग टू द आईयूएफई स्टैंडर्ड्स। If they are क्योंकि doing, लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि दे आर नॉट श्योर कि दैट इज अंडर द शरिया लॉ और शरिया जो है उसको कंप्लाइन कर रहा है या नहीं। तो दिस इज गुड टू नो फ्रॉम यू हाँ जी, हाउ टू सो यू नो, सो इफ दे आर फॉलोइंग, दे हैव अ शरिया बोर्ड, एंड इफ दे आर फॉलोइंग द आईयूएफई स्टैंडर्ड्स, देन आई थिंक देर आर, एंड इफ यू लुक एट द, यू नो, द पीपल हु आर सिटिंग ऑन द बोर्ड ऑफ आईयूएफई एंड द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आईयूएफई हैज, आई थिंक देन हम बलियो जिम्मा हो जाते हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इतने बड़े बड़े लोग अगर उस पे बैठे सही सही बिल्कुल हैं। सही कहा आपने। जी बहुत बहुत शुक्रिया जवाब आपने
हम लोगों की जैसे आंखें खोली इस्लामिक बैंकिंग के नहीं बारे नहीं नहीं में, और नहीं आपने हमें ज्वाइन किया लाइफस्टाइल टीवी चैनल पर। और अगर नहीं हम देखेंगे, नाजरीन से पूछेंगे आपके कोई क्वेश्चंस हैं लेटर ऑन, जब भी हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे तो आप अपने क्वेश्चंस भेजें इस्लामिक बैंकिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के, ताकि हम जवाब से और भी मालूम हासिल कर सकें। एक वाक्य मैं शेयर करना चाह रही हूँ अपने नाजरीन के साथ जाते जाते। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि एक दफा मुझे इराक से किसी गांव में रात हो गई और मैं एक मस्जिद में गया, वहां पे लेटा हुआ था कि लेकिन मुझे चौकीदार ने मुझे वहां से निकाल दिया। मैं वहां पर उसके दरवाजे पे जाके सो गया, चौकीदार ने मुझे पांव से पकड़ा और घसीट के मस्जिद से दूर कर दिया। एक उदास आदमी ने मुझे अपने घर ले गए और वो शख्स चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त इस्तगफार पढ़ते रहते थे। सुबह हुई तो मैंने उनसे उस शख्स से पूछा, क्या आपको इस्तगफार पढ़ने का कोई फायदा भी हुआ? उस आदमी ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरी हर दुआ कबूल हुई है सवाए इसके कि मेरी मुलाकात इमाम अहमद बिन हम्बल से हो। मैंने कहा कि मैं अहमद बिन हम्बल हूँ और देखो मुझे कैसे घसीट के तुम्हारे सामने पेश किया गया है। तो वाह, सुभान अल्लाह, हमें चाहिए कि अपना सुबह इस्तगफार उठते बैठते हम लोग भी इसको अपनी जिंदगी में शामिल रखें। तो बस मैं चाह रही थी कि अपने नाजरिन के साथ ये भी शेयर करूं। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद, अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया जी। और मेरी तरफ से बस आखिरी बात के जी हमें आवाज आ रही है जवाद जी, आप। हाँ जी जी, मेरी मेरी तरफ से बस आखिरी बात ये कि आपको बहुत शुक्रिया। और मैं ये चाहूँगा कि इसको अगर आपके ऑडियंस से जो भी लोग हैं उनकी कोई भी क्वेश्चन ये रहो तो आई एम मोर देन अवेलेबल और वी कैन हैव अनदर सेशन विद सम स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर उसको मैं एड्रेस कर सकूँ। और ऑब्वियसली आई वुड से कि यू नो जिस जिस दौर में हम रह रहे हैं तो अगर हम इंटरेस्ट फ्री या अगर सूद के खिलाफ जो भी अपनी थोड़ी हम्बल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं तो ये जहाद से कम नहीं है। और बिल्कुल आपने अभी इमाम अहमद बिन हम्बल की बात की, इमाम अबू हनीफा को देखें, इमाम मालिक को देखें, इमाम शाफी को देखें, तो उनके ना सिर्फ अकवाल है, उनकी फिका नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी को भी हमने देखें कि वो हक पे किस तरह खड़े रहे। उन्होंने घोड़े खाए, उन्होंने सऊबतें बर्दाश्त की, उन्होंने हुक्मरानों के खिलाफ क्या क्या नहीं किया जी, जिंदगी अपनी तमाम जेलों में गुजारी और जेलों से उस वक्त निकाले गए कि जब वो नजा की हालत में थे। तो हमें उनकी बिल्कुल तकलीद करनी चाहिए और उनसे सबक लेना चाहिए। और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा कि मुसलमान एज आजकल एन तो हम उम्मत हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ अर्थपूल ड्रामा देख रहे हैं तो उससे भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। जी, उसमें अरबी है, उसमें अरबी है। जी, और स्पेशल थैंक्स टू आवर माय कॉलीग साकिब मजीद, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग टू हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज दिस इंटरव्यू विद जवाद खान। थैंक या यू, जस्ट एब्सोल्युटली, स्पेशल थैंक्स टू साकिब। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।